Welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is class 9 physics gravitation. देखिए आपने ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट का मेरा वीडियो देखा होगा, तो हमने उसमें न्यूटन्स लॉ और केपलर्स लॉ पर डिस्कशन किया था। आज का हमारा जो सेकंड सेशन है ग्रेविटेशन पर, वो बेस्ड है थ्रस्ट फोर्स पर। ग्रेविटेशन सेकंड सेशन सेकंड पार्ट। नाउ आवर टॉपिक इज थ्रस्ट एंड फोर्स, सॉरी थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, देखिए थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर वर्ड तो आप सबने सुना है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास एक कार्डबोर्ड है या कोई भी इस तरह का सॉफ्ट बोर्ड है। यदि हम थंब से अपने अंगूठे से यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, सपोज़ ये थंब से अपन इस पर फोर्स लगाते हैं, यहाँ हमने फोर्स लगाया, तो आपको मालूम है कि ये थंब बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन सपोज़ हमने क्या किया, इसी बोर्ड पर एक पॉइंटेड पिन या ड्राइंग पिन होता है, उस पर हमने थंब से फोर्स लगाया, तो ये अंदर चला जाता है, ये आप जानते हैं। दैट मीन्स यदि हम अंगूठे से या मैं अपनी हथेली को ही अंगूठे से दबाऊं, तो अंगूठा हथेली के अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन सपोज़ यहाँ पर मैं पिन रखने के बाद उसको प्रेस करूँ, तो पिन अंदर चला जाता है। ये है प्रेशर। तो यहाँ पर आप दो तरह का केस देख रहे हो कि एक केस में वहाँ पर एक्शन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये डिपेंड करता है जिस जहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं उसके एरिया पर। तो एक्चुअली जो प्रेशर होता है वो एरिया पर बेस्ड होता है। इस तरह से प्रेशर का हमारा जो फार्मूला है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स सिंबॉलिक लिखें तो पी इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए। अब सपोज हम एरिया को यूनिट ले लें, देन प्रेशर इक्वल टू फोर्स। दैट मीन्स यूनिट एरिया पर जब हम फोर्स लगाते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाया जाता है हम उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब इसका यूनिट क्या हो सकता है, देखिए यूनिट यहाँ से निकलेगा, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स टू द पावर 2। दैट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। इसको पास्कल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने प्रेशर पर वर्क किया, प्रेशर के बारे में बताया, इसलिए हम न्यूटन मीटर टू द पावर -2 को पास्कल भी कहते हैं। क्लियर, ये होता है प्रेशर। अब हम देखें कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट थ्रस्ट इज ए फोर्स। थ्रस्ट फोर्स ही है, लेकिन थ्रस्ट और एक कॉमन फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन द ऑब्जेक्ट, देन दैट इज थ्रस्ट। मतलब यदि हम कहीं पर फोर्स, सपोज हमने कुछ एंगल बना के लगाया, तो हम उसको प्रेशर कह सकते हैं। लेकिन यदि हम फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर अप्लाई करें, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स सपोज यहाँ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल बनाए हुए हैं, तब हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, थ्रस्ट कह देते हैं। क्लियर, इस तरह से हम प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया भी कह सकते हैं। दैट मीन्स थ्रस्ट इज ऑल्सो ए फोर्स। ये कहलाता है थ्रस्ट एंड फोर्स किसी भी सॉलिड बॉडी पर। लेकिन इसी को यदि हम किसी लिक्विड पर लगाएं, तो किस तरह की बात होती है, देखिए फोर्स इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में प्रेशर किस तरह का होता है, प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड किसको कहते हैं, व्हाट इज लिक्विड, लिक्विड मींस ऐसा मटेरियल जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लो हो सके, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। तो प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड में किस तरह का प्रेशर हो सकता है। लिक्विड में जो प्रेशर होता है, ये बात आपको पता है
कि सपोज ये अपना कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में सपोज हमने कोई भी लिक्विड, कोई वाटर भरा हुआ है, सपोज वाटर भरा हुआ है। अब आपने देखा होगा इसमें अपन सपोज किसी वुडन ब्लॉक को, सपोज ये लकड़ी का कोई ब्लॉक है, या बैलून को, या किसी ऐसे चीज़ को जो उस पर इमर्ज नहीं होता, उसको आप यहाँ पर डुबाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ता है। आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एक्चुअल में वो प्रेशर इन द लिक्विड है। यहाँ पर इसका मतलब है, इस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंसी, बॉयंसी, बॉयंसी का मतलब होता है बाउंस होना, किसी चीज़ को ऊपर उछलना। आपने देखा होगा कि हम सपोज गुब्बारे को लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर डुबाना चाहें तो पानी क्या करता है, उसको ऊपर उछलता है। ये बॉयंसी कहलाता है। और इस बॉयंसी का जो फोर्स लगता है उसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं। बॉयंट फोर्स, तो बॉयंसी के कारण जो फोर्स लगता है बॉयंट फोर्स कहलाता है। क्लियर? वो क्या करता है, उसको अपवर्ड उछालता है उसको। ये है प्रेशर इन लिक्विड। इस बात को लेके आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, वो लिक्विड का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आप जब इस टॉपिक को 11th क्लास में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का पूरा डेरिवेशन और पूरा डिटेल पढ़ोगे। आपके 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो अभी हम सिर्फ आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके कंडीशंस पर अपन डिस्कशन करेंगे। क्लियर? नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज से रिलेटेड एक स्टोरी है। आर्किमिडीज यूनान के साइंटिस्ट हैं, वो एक राजा के साइंटिफिक एडवाइज़र थे एक एम्पायर के। तो उस राजा ने क्या किया, एक सोने का मुकुट बनवाया। मुकुट समझ गए आप, जो सिर में पहनते हैं राजा लोग। उसके बाद उनको डाउट हुआ कि मेरे गोल्ड स्मिथ ने, मेरे सुनार ने जो मुकुट बनाया उसमें इम्प्योरिटी मिला दिया, किसी और दूसरे मटेरियल को मिक्स कर दिया। इस बात का उनको डाउट हुआ तो उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया और ये वर्क उनको दिया कि आप पता करके बताओ कि प्योर वो गोल्ड है जो हमने उसको दिया था, या इसमें उसने कुछ इम्प्योरिटी मिला दी। इस एक्सपेरिमेंट को करते करते आर्किमिडीज ने एक जो कॉन्सेप्ट दिया वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका 11th क्लास का सिलेबस में बहुत डिटेल में होगा। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको डेली लाइफ का एक एक्सपीरियंस होगा, ये आपको पता है पहले से कि सपोज हमने यहाँ पर एक लिक्विड कंटेनर इमेजिन किया ये, या आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ यदि आपके अप्रोच में हो तो। आजकल कहते हैं बच्चे इस तरह का एक्सपीरियंस हो, इसका मुझे डाउट भी होता है कि आपने कभी कुएं से रस्सी बाल्टी से पानी निकाला होगा। बाय द वे आप में से किसी भी निकाला होगा तो आप उसको देखिए मस्त, या फिर कुछ और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। तो वो जो बाल्टी भरा हुआ पानी होता है, यहाँ पर मैं एक फिगर ही बना दूँ। सपोज़ यहाँ से ये एक मैंने पुली बना दिया और यहाँ से ये सपोज़ एक बकेट है, ये रस्सी से आप इसको नीचे खींच रहे हो। तो आपने देखा होगा कि जब ये बकेट लिक्विड के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है, तो हम उसको बहुत आसानी से खींचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो वाटर के सरफेस के अप होता है, ऊपर आता है, तो हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, फिर हमको उसको खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि लिक्विड के अंदर इसका वेट कम है और लिक्विड के बाहर इसका वेट ज़्यादा है। दैट मीन्स आर्किमिडीज ने बताया कि कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड जब किसी लिक्विड के अंदर में इमर्ज होता है, डूबता है, तो उसका वेट लॉस होता है, उसके वेट में कमी हो जाती है। और उस बात को उन्होंने मैथमेटिकली डिराइव करके बताया। यहाँ पर हम उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि उन्होंने बताया कि सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बाहर इसका वेट, इसका सपोज वेट डब्ल्यू वन आउटसाइड ऑफ द लिक्विड सपोज 50 kg है, ये है। अब जब ये गया, इसको मैंने कैपिटल W कह दिया, अब ये स्मॉल W लिया, जब ये मटेरियल लिक्विड के अंदर जाएगा, कोई भी मटेरियल जब लिक्विड के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, अपना जगह बनाने के लिए वहाँ से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड को यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा।
और सपोज वो जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो सपोज 10 केजी का है। आपको एक एग्जांपल बताया मैंने आपको कि वो ऑब्जेक्ट सपोज 50 केजी का था और जितना लिक्विड वहाँ से उसने डिस्प्लेस किया मतलब वहाँ से हटाया वो जो लिक्विड था वो 10 केजी का था। तो आर्किमिडीज ने बताया कि अब लिक्विड के अंदर जो उसका अपेरेंट होगा वेट होगा दैट इज डब्ल्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 10 दैट इक्वल टू 40 केजी का हो जाएगा। अब लिक्विड के अंदर इस तरह से वेट में लॉस हो जाता है। इस तरह से इसको हम यदि प्रॉपर वे में बोलें तो क्या कह सकते हैं, अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल वेट ऑफ द लिक्विड माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मतलब क्या हुआ इसका, द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द रियल वेट माइनस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मतलब उसके वेट में लॉस कितना हुआ, इतना लॉस हो रहा है, ये लॉस ऑफ द वेट है, इतना लॉस हो रहा है उसमें। इस तरह से हम इस प्रिंसिपल को क्या कह सकते हैं, इफ ए बॉडी आर ऑब्जेक्ट इमर्ज होली आर पार्सली, हम उसको पूरा भी डुबाएं या पार्सली डुबाएं दोनों कंडीशन में ये रूल अप्लाई होता है। इफ ए बॉडी इमर्ज इनसाइड ऑफ द लिक्विड होली आर पार्सली देन इट्स लॉस सम वेट एंड द लॉस ऑफ द वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबाते हैं तो उसके वेट में कमी होती है, वेट लॉस होता है, और कितना लॉस होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना लिक्विड वहाँ से हटता है उतना ही उसमें लॉस होता है। दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका डेरिवेशन आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस पर बात करेंगे जिसको हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से फ्लोट करता है। क्लियर, तो मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि लॉस ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है। ये फार्मूला मैं कुछ अलग ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए इस फार्मूला को इस तरह से लिख रहा हूँ, डब्ल्यू डैश इज अपेरेंट वेट, डब्ल्यू इज रियल वेट माइनस स्मॉल डब्ल्यू इज सपोज वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से फ्लोट होता है, आर सिंक होता है, किस तरह से आर हम सिंक भी कह सकते हैं, कि डूबता किस तरह से, फ्लोट किस तरह से होता है, ये हमको देखना है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट कंडीशन यहां पर अप्लाई करता हूं मैं, इफ कैपिटल डब्ल्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल डब्ल्यू दैट मीन्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एक आयरन बाल को लिक्विड के अंदर डुबा लिया, तो आयरन बाल को जब लिक्विड के अंदर डुबाएंगे तो आयरन बाल का जो वेट होगा वह आयरन बाल लिक्विड के अंदर जाने पर जितना वाटर वहां से डिस्प्लेस करेगा उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। देन उस कंडीशन में आप देखो इस फार्मूला को, डब्ल्यू डैश इक्वल टू पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आया तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, बॉडी इमर्ज हो जाता है, इस तरह से डूब जाता है वो। मतलब यदि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस लिक्विड के वेट से ग्रेटर हो तो इमर्ज हो जाता है, लिक्विड के अंदर डूब जाता है। एंड सेकंड केस इज इफ कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू, सपोज ये दोनों इक्वल हो गए, सपोज हमने 50 केजी के ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबाया और उसने 50 केजी का ही लिक्विड वहां से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो उस कंडीशन में आप देखिए उस कंडीशन में जो उसका अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और तब वह ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है, यह तैरता है, ध्यान रखें यह फ्लोट करने का कंडीशन है। एंड थर्ड कंडीशन इज इफ आर पार्शली इमर्ज, ना तैरता है, कुछ डूबा रहता है कुछ तैरता है, इस तरह कंडीशन होता है, इफ कैपिटल डब्ल्यू इज लेस देन स्मॉल डब्ल्यू,
अब सपोज वो स्मॉलर देन हो गया, देन उस कंडीशन में आप देखिए कि W डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब उसका वेट निगेटिव में चला जाएगा। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये कंप्लीट 100% फ्लोटिंग है, ये पार्सली है, ये 100% फ्लोटिंग कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, सपोज हमारे पास वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हम पानी के अंदर डुबाते हैं, तो आपको पता है कि लकड़ी का कुछ टुकड़ा पानी के अंदर रहता है, कुछ हिस्सा कुछ बाहर रहता है, ये वाला कंडीशन है। इसी कॉन्सेप्ट पर सीप, बोट, ये सब इसी कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। सीप और बोट की डिजाइन इस प्रकार की जाती है कि इस तरह का कंडीशन बने, इसलिए क्या होता है, पार्शली फ्लोटिंग होता है वो, ना तो पूरा डूबता ना तो पूरा तैरता। यदि पूरा डुबा देंगे तब तो सीप बनाने का मतलब ही नहीं है, पूरा उसको तैरा दें तो क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा, क्लियर। तो इसलिए हम उसको पार्शली फ्लोटिंग के कंडीशन में रखते हैं। और ये जो कंडीशन है 100% फ्लोटिंग, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज हमारे पास एयर बैलून है, हवा भरा हुआ गुब्बारा है, उसको हम पकड़ के पानी के अंदर डुबाते हैं तो क्या होता है, वो उछल के बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अपेरेंट वेट है वो निगेटिव हो जाता है, बिकॉज द वेट ऑफ द, अब गुब्बारे का वेट जितना लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस करेगा उसके कंपेरिजन में बहुत कम होगा। तो ये है लॉ ऑफ फ्लोटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आर्किमिडीज ने जो बताया कि यदि किसी भी सॉलिड या किसी भी मटेरियल को हम यदि लिक्विड के अंदर डुबाते हैं तो वो वेट लॉस करता है, और वह उतना ही वेट लॉस करता है जितने वेट का लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस करता है। और इसके थ्री कंडीशन है, इफ़ वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेस लिक्विड, देन बॉडी कंप्लीटली इमर्ज, डूब जाता है। इफ़ डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू, दैट मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, देन ऑब्जेक्ट पार्शली फ्लोटिंग, वो आंशिक रूप से तैरता है। और इफ W इज लेस देन W, दैट मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, देन बॉडी कंप्लीटली फ्लोटिंग, 100% फ्लोटिंग। ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और उस पर कॉन्सेप्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ये छोटा सा पोर्शन है ग्रेविटेशन का, ये लिक्विड और प्रेशर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने एक अलग से सेशन पे इसको आपको पढ़ाया, अदरवाइज ये छोटा सा पार्ट है ग्रेविटेशन का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं टू डायमेंशन में। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर जो बॉडी का मास होता है वो क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। इसको हम डी इक्वल टू एम अपॉन वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप ध्यान रखें, बस डेफिनेशन आपको जानना है और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिविटी का सीधा मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब लिक्विड के डेंसिटी का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से कंपेयर करना। तो इसका फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी हम जानना चाहते हैं, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी ऑब्जेक्ट, किसी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल और ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, क्लियर। इस तरह से यह रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है और यह डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है और कुछ नहीं है आपको। ये जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है ग्रेविटेशन का, आपको 11th क्लास में इसको बहुत ब्रॉड में पढ़ना होता है। तो इस क्लास में आपको जो पढ़ाया गया वो सिर्फ लिक्विड के बेसिक प्रॉपर्टीज, फ्लोटिंग कंडीशन, आर्किमिडीज का बेसिक प्रिंसिपल बस बताया गया। आगे आप हायर क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।